नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं बिहारी कल्याण स्कॉलरशिप के एक नए अपडेट के बारे में। दोस्तों, जो भी छात्र छात्राओं ने बिहारी कल्याण स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप किए थे और जिसका भी स्कॉलरशिप का पैसा अभी तक नहीं आया है, आप सभी को पता है कि बहुत सारे इंटर के और मैट्रिक के छात्र छात्राओं का जो है पैसा अभी तक खाते में नहीं आया है। यहाँ पर जो है उन सभी के लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे छात्र छात्राओं को पेमेंट लिस्ट में तो किसी का इन प्रोसेस से होता है, किसी का सेंड फॉर पेमेंट से होता है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है शो कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जब चेक करते हैं, ऐसा खास करके मैट्रिक वाले स्टूडेंट के साथ ज्यादातर हो रहा है और यहाँ पर अकाउंट में जो है अभी तक पैसा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर इन प्रोसेस और सेंड फॉर पेमेंट तो शो हो रहा है। तो बहुत सारे छात्र छात्रा जो है यहाँ पर इसको लेकर के परेशान है और जो भी यहाँ पर PFMS में जब बैलेंस यहाँ पर चेक करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का बैंक CBC प्रोसेस यहाँ पर शो होता है। तो जैसा कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से जब यहाँ पर PFMS में स्टूडेंट चेक करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलता है एंडर प्रोसेस, यहाँ पर बैंक CBS इस प्रकार से देखने को मिलता है और बैंक अकाउंट नंबर का 4 डिजिट, आपका जो है नाम देखने को इस प्रकार से मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है इस प्रकार से यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर आपको जो है PFMS में अपना यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए नहीं आता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर आगे यहाँ पर बताने वाले हैं किस प्रकार से आप जो यहाँ पर चेक करेंगे। और जिसका भी यहाँ पर CBC अंडर प्रोसेस दिखा रहा है बैंक CBC, तो उसका जो है खाते में पैसा कब तक यहाँ पर आ जाएगा, सारी बातों को जो इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो जो भी छात्र छात्राओं का अभी तक बिहारी कल्याण स्कॉलरशिप के तहत जो है पेमेंट नहीं आया है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जो है जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सबसे पहले तो आप ये सीख लीजिए कि यहाँ पर PFMS में किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल क्रोम में और यहाँ से आकर के इस प्रकार से लिखना है बिहार हेल्प लिखना है, उसके बाद .in लगाना है, सर्च पर क्लिक करना है। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाता है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन, इस प्रकार से देखने को मिलता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। हालांकि इससे ये नहीं है कि ये ग्रेजुएशन का है, तो इसी में आपको लिंक मिल जाएगा, हम लिंक के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ, जहाँ से कि आप अपना स्टेटस को चेक कर पाएंगे PFMS में क्या यहाँ पर शो कर रहा है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है PFMS क्लिक हियर, तो सिंपली आपको जो है इस बटन पर यहाँ से जो है क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो है बैंक का नाम फिलअप करना है, यहाँ पर देखेंगे इंटर अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर को फिलअप करना है, यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट नंबर को फिलअप करना है, ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं इस बॉक्स में यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जैसे ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपको ओटीपी वेरीफाई करना है, उसके बाद क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से PFMS में चेक हो जाएगा कि आपका यहाँ पर कहाँ तक आपका जो है पहुँचा है, क्या यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जिसका भी यहाँ पर अंडर प्रोसेस CBC बैंक CBC दिखा रहा है, उसका जो है स्कॉलरशिप का राशि कब तक खाते में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें जिसका भी बैंक अंडर प्रोसेस CBC करता है तो उसको जो है 24 घंटा के अंदर में जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, UTR नंबर वगैरह सब अगर आपको देखने को मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि 24 घंटा के अंदर आपका अकाउंट में बैलेंस यहाँ पर किसी भी समय आ सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कॉमेंट कर रहे थे मेरा जो अंडर प्रोसेस बैंक CBC दिखा रहा है तो कितना समय लगेगा स्कॉलरशिप आने में। तो आई होप आपको जो है समझ में आ चुका होगा कितना यहाँ पर समय लगता है स्कॉलरशिप आने, चाहे वो NSP का हो या कोई भी स्कॉलरशिप। अंडर प्रोसेस CBC अगर दिखाता है 24 से 48 घंटे समय लग सकता है, लेकिन 24 घंटा के अंदर में ही बैलेंस खाते में पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस आप सभी को इसी के बारे में जानकारी देना था। आई होप कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुआ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।